नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी प्यारी होस्ट और आपकी दोस्त नीरू सहगल सोशलिस्ट। आज मैं आपको अपने एक स्पेशल क्लब के बारे में बताना चाहूँगी। हमारा एक बहुत ही प्यारा और स्पेशल क्लब है, WBTR सीनियर सिटीज़न क्लब। ये क्लब उन स्पेशल लोगों के लिए है जो अपने आप को आज भी स्वीट 16 समझते हैं। हमारे क्लब के हेड दुर्गा दास जी हैं, जिन्होंने इस सीनियर सिटीज़न क्लब को एक पेड़ की तरह, एक बच्चे की तरह आगे बढ़ाया। और आज हमारे पास टॉप 100 सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही सुंदर हैं, जिनका मन बहुत ही अच्छा है और वो दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। दुर्गा दास जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। बींग अ हेड ऑफ द सीनियर सिटीजन क्लब, ही इज़ अ लाफ्टर एम्बेसडर। ही इज़ प्रमोटिंग द लाफ्टर योगा थेरेपीज सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स। और उन्होंने हमें इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाया, जैसे कि सुभाष शर्मा जी, जो कि पेशे से लॉयर हैं लेकिन एक सोशल वर्कर हैं, और पिछले 20 से 25 सालों से निरंतर वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। और इसके अलावा वो मोतीनगर सीनियर सिटीज़न कल्चरल एसोसिएशन चलाते हैं मोतीनगर में, जिसमें हाल ही में हमने 2 अक्टूबर को कार्यक्रम किया था। और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हैं सुभाष जी, और ये हमारे टॉप 5 जेम्स ऑफ WBTR में से एक हैं। और मैं तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो भी दिव्यांगों के लिए आगे बढ़कर निरंतर हेल्प करते हैं। किसी को किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो हम WBTR में जैसे ही उस प्रोग्राम में के लिए ग्रुप में डालते हैं, तो सबसे पहले दुर्गादास जी, सुभाष शर्मा जी, मुकेश भटनागर जी थर्ड इन द रो हैं, जो कि हमारी कंपनी के एडिटोरियल हेड भी हैं, और वो निरंतर अपनी लेखनी के थ्रू लगातार लोगों में मास अवेकनिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लिखने का कार्य कर रहे हैं। और अपने लिखने के माध्यम से वो कई लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, और इसके अलावा उन्होंने लगातार WBTR के आर्टिकल्स भी वही लिखते आए हैं। और बहुत ही अच्छी अच्छी शख्सियत हमारे साथ दुर्गा दास जी ने उनको जोड़ा, जिसमें एक और स्पेशल नाम है शशि पाथरिया जी का। शशि पाथरिया जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो पिछले 6 महीनों से लगातार, मई 2021 से अक्टूबर 2021, 6 मंथ्स हो गए हैं, लगातार वो ह्यूमैनिटी क्लब में कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं दिव्यांगों की। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नेक्स्ट इन द रो है नीलम वढेरा जी, जो कि एक दिल्ली लाफ्टर क्लब चलाती हैं और लाफ्टर थेरेपीज़ के थ्रू लोगों को ठीक करती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, तो आप हमारे इन स्पेशल सीनियर सिटीजन्स की मदद ले सकते हैं। और ये लाफ्टर स्पेशलिस्ट आपकी ज़िंदगी जो दुखों से भरी हुई है, आप गम में डूबे हुए हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। स्वयं खुश कैसे रहना है, क्योंकि जीवन में कोई खुशी देने चलकर नहीं आता। अगर आप खुद खुश रहना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारा सीनियर सिटीजन क्लब। एक और अच्छा नाम मैं आपका इस वीडियो में लेना चाहूँगी, जिनका नाम है अन्नूपुरी जी और मीना नांगिया जी, जो कि अभी 3 महीने पहले हमारे क्लब के साथ जुड़ी हैं। अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने मेकअप शूट में आकर उसका बहुत आनंद उठाया। इस उम्र में भी मेकअप करने और करवाने का इतना शौक होना बहुत बड़ी बात है। इस सीनियर सिटीजन क्लब में और भी लेडीज़ हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जीवन में अपना कुछ कर दिखाना चाहती हैं। हमारी एक और बहुत प्यारी सी, बड़ी पुरानी सी मेम्बर हैं रेनु बहल जी, जो पिछले 7 वर्षों से लगातार हमारे सभी कार्यक्रमों में आती हैं। ब्राइडल शूट और ब्राइडल फैशन शूट जैसे प्रोग्राम्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और बहुत खुशी की बात है कि उनको क्राउन भी दिया गया, उन्होंने क्राउन भी जीता, उन्होंने हेरिटेज क्वीन का टाइटल भी जीता। तो इस तरह से इस श्रृंखला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि निरंतर अच्छा काम कर रहे हैं WBTR सीनियर सिटीजन क्लब में, और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगी सुभाष शर्मा जी को और दुर्गादास जी को और शशि पाथरिया जी को, जो निरंतर आगे बढ़कर एक रोल मॉडल बन रहे हैं और निरंतर सेवा कर रहे हैं दिव्यांगों की और सीनियर सिटीजन्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सुभाष जी अब तक 550 सीनियर सिटीजन्स का एक एसोसिएशन चलाते हैं, जिनको रिलीजियस ट्रिप्स पर लेकर जाते हैं, सोशल प्रोग्राम्स किए जाते हैं, सत्संग किए जाते हैं, बर्थडेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं सुभाष शर्मा जी भी, और दुर्गा दास जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं दिल के, बहुत साफ मन है उनका, बहुत स्पष्टवादी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग सीनियर सिटीजन क्लब ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आप बूढ़े हो गए हैं, कि या हमें हम क्यों ज्वाइन करें, क्या हम बूढ़े हो गए हैं,
नहीं, हमें इन सब से, क्योंकि ये लेजेंड्स हैं अपनी ज़िंदगी के, ये अपनी ज़िंदगी के नायक हैं, इनसे जो हमें सीखने को मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो आप सब ज़रूर ज्वाइन करें हमारे वेबिनार्स, हमारी एक्टिविटीज़, हमारे सीनियर सिटीजन्स के सेशंस, और सुनिए उनकी मोटिवेशनल स्टोरीज़ और बदल लीजिए अपनी ज़िंदगी, क्योंकि बदलाव यही है हमारा मिशन WBTR क्लब का। और सीनियर सिटीजन्स एक ऐसी धरोहर हैं, एक ऐसी उनकी विचारधारा है कि अगर आप उनसे बात करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप उनसे मैनेजमेंट सीखेंगे, आप लीडरशिप सीखेंगे, आप बैलेंसिंग सीखेंगे, डिप्रेशन को कैसे हैंडल करना है आप ये सीखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इन सीनियर सिटीजन से ज़रूर मिलें, चाहे वो आप हमारे कार्यक्रम में मिल सकते हैं, चाहे आप हमारे वेबिनार में मिल सकते हैं उनसे, या आप ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में उनसे मिल सकते हैं। और बहुत जल्दी हम 100 सीनियर सिटीजन्स का एक स्पेशल फैशन शो लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने आप को स्वीट 16 समझते हैं, आपको भी ग्लैमरस लगना है, आपको भी हैंडसम लगना है, आपको भी फैशन शो में नए नए पोजेस देने हैं, अच्छे तरीके से बॉलीवुड स्टाइल में तैयार होकर आना है, कुछ रेट्रो स्टाइल में आपको आना है, तो नए नए थीम्स पर WBTR लेकर आता है नए नए फैशन शोज। और इस बारी का थीम है इंडिया। सभी सीनियर सिटीजन्स अपने आप को एक सिटी या स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे इस फैशन शो में, और आप सभी को एक सुनहरा मौका मिलेगा स्टेज पर उतरने का, और पूरी दुनिया आपको देखेगी ग्लोबल नेटवर्क में कि आप कितने खूबसूरत हैं अंदर से भी और बाहर से भी। तो मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहती हूँ, मैं नीरू सहगल सोशलिस्ट सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने एक छोटी सी ईंट भी रखी है अगर WBTR क्लब में, तो आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपका ये जो एक ईंट का भी योगदान है, ये हमारे लिए ज़िंदगी भर के लिए सराहनीय है, और इसको हम हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू सो मच।